हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और आज मैं आया हूँ अपने पड़ोसन, मेरी आंटी जी जो हैं उनसे मिलने के लिए। और हम लोग क्यों आए हैं वो बताएंगे आंटी जी। हेलो, मैं अर्चना शर्मा, मैं INS ब्यूरो चीफ हूँ। और कल हमारा मूवी का स्क्रीनिंग है यहाँ पर, हम INOX में रेवा मूवी स्क्रीन कर रहे हैं। और गंधर्व ने जो पूरा एक टेक्निकल हैंड है, इसने जो टॉप टू लेकर बॉटम तक जो मुझे हेल्प दिया है मेरे साथ जाकर, आई एम ऑल अब्लाइज्ड। और इसका जो नॉलेज लेवल है, मैं उसको देखकर बहुत हैरान हूँ। और अब आगे का गंधर्व, ओवर टू गंधर्व। सो चलते हैं INOX और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या टेक्निकल इश्यूज हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। चलते हैं। आजकल ऐसे स्क्रीनिंग होती है मूवीज की कि भाई जो प्रोजेक्शन रूम होता है वो ऊपर ही होता है और छोटा सा, उसी के अंदर आप कंटेंट अपना लगा के या फिर डायरेक्ट कंटेंट कनेक्ट करके आप यहाँ पे मूवी प्ले कर सकते हैं। सो गाइज, आज आपने देखा कि हम लोगों ने विजिट किया INOX GT सेंट्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू अर्चना आंटी जी के, उनकी वजह से मैं देख पाया कि थिएटर के अंदर कैसे हम लोग एक मूवी को कैसे टेलीकास्ट करते हैं या कैसे हम लोग उस मूवी की स्क्रीनिंग करते हैं। और गाइस, मैं आपको बताऊं कि पहले जो ज़माने में जो प्रोजेक्टर्स होते थे, वो प्रोजेक्टर्स ऐसे होते थे कि लाइट्स रेज से उनको हम लोग प्रोजेक्ट करते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बहुत सिंपल सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं कि आपका जो प्रोजेक्टर है उसके साथ पे डायरेक्ट आप HDMI केबल या फिर कोई भी कंटेंट को आप कनेक्ट करके डायरेक्ट आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि जो आपका जो प्रोजेक्टर रूम था वो बहुत छोटा सा था, उसमें वो लोग गए और उन्होंने हमारे लैपटॉप को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद में डायरेक्ट उसको प्ले कर दिया। बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें जब देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैं खुद वीडियोज़ बनाता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, तो अपने ही कंटेंट को जब आप प्ले करते हैं कोई एक बड़े पर्दे पर, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। सो इसी तरीके के इंटरेक्टिव व्लॉग आज मुझे पता है कि आज का जो व्लॉग है वो बहुत छोटा सा है, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। सो इसी टाइप के इंटरेस्टिंग व्लॉग और हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं, मुझे पता है कि प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब। अभी हम लोगों को सब्सक्राइब, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबकी बहुत प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।